नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क की हेल्प से एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना करके देखेंगे। तो ये हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैसा होगा, तो इसके लिए मैंने फ्रंट एंड का UI और साथ ही साथ मैंने बैक एंड का UI रेडी कर लिया है। तो पहले हम लोग फ्रंट एंड का UI देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड का UI है, ठीक है। ये हमारा हेडर हो गया, हेडर में हमारे पास ये लोगो हो गया, ऑनलाइन शॉप, ठीक है। माई अकाउंट एक लिंक हो गया, सर्च के लिए यहाँ पर मैंने बॉक्स दे दिया है। फिर ये हमारे पास कैटेगरीज हो गई, ये हमारी मेन कैटेगरी है, ये उसकी सब कैटेगरीज हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये स्लाइडर है। कैटेगरीज को आप ध्यान रखना कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में कैटेगरीज को सिर्फ दो लेवल तक ही रखेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास ये हमारा स्लाइडर हो गया, ये इसे हीरो सेक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये प्लेस होल्डर हो गए। फिर ये हमारे पास कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो ये स्टैटिक कैटेगरीज मैंने यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रखी हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो इसे डायनेमिक करेंगे। फिर हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट होगी, ठीक है। बैकेंड से हम लोग जो भी प्रोडक्ट को फीचर्ड करेंगे वो फीचर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, तो जो भी हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर ये हमारे पास फूटर, फूटर बिल्कुल सिंपल है, तीन कॉलम है हमारे पास। एक तो यहाँ पर एड्रेस के लिए हो गया, फिर ये इंपॉर्टेंट लिंक्स, माय अकाउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉप पेज के बारे में। तो हमारा ये शॉप पेज हो गया। शॉप पेज में हमारे पास ये साइड बार हो गया, साइड बार में हमारे पास कैटेगरीज हो गई, तो ये मेन कैटेगरी, ये सब कैटेगरी। फिर हमारे पास ब्रांड, तो ये ब्रांड जिस भी ब्रांड पर हम लोग क्लिक करेंगे उस ब्रांड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएंगे। मतलब अगर हम कैनन ब्रांड पर क्लिक करेंगे तो कैनन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो भी कैटेगरी हम लोग क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के यहाँ पर प्रोडक्ट्स फ़िल्टर हो जाएंगे। इसी तरह से प्राइस, जो भी प्राइस सेलेक्ट करेंगे उस प्राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएंगे। और यहाँ पर सॉर्टिंग, तो हम लोग प्रोडक्ट्स को ऑर्डर बाई लेटेस्ट है, ऑर्डर बाई प्राइस हाई प्राइस लो के भी यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है। प्रोडक्ट डिटेल में हमारे पास ये प्रोडक्ट की गैलरी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई, प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, प्रोडक्ट पे कितने रिव्यू हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख लो, 99 रिव्यूज़। ये हो गया हमारा क्रॉस प्राइस और ये हमारा सेल प्राइस, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, फिर सॉरी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा प्रोडक्ट का। फिर यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन। फिर ये हमारे पास टैब्स हैं, तो पहले टैब में हमारे पास प्रोडक्ट का जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगा। फिर शिपिंग एंड रिटर्न्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे देंगे यहाँ पर। फिर रिव्यूज़, तो अभी रिव्यूज़ को मैंने ब्लैंक कर रखा है क्योंकि इसको हम लोग लास्ट में क्रिएट करेंगे। फिर हमारे पास है रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो जो भी हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो हम लोग लिस्ट कर देंगे यहाँ पर। मतलब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट पेज है हमारा कार्ट पेज। तो ये हमारा कार्ट पेज है। कार्ट में जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग कार्ट में ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से कर पाएंगे, रिमूव करना है तो रिमूव कर पाएंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग चेकआउट पेज पर जाएंगे, पर चेकआउट पेज पर जाने से पहले हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये लॉगिन पेज पर जाएगा, ये हमारा लॉगिन का इंटरफेस हो गया, ठीक है। साइनअप को देखना है तो आप साइनअप का ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यूज़र साइनअप कर सकता है। और इसके बाद मैं चेकआउट दिखा देता हूँ आपको, चेक। तो ये हमारा चेकआउट का पेज है, यहाँ पर यूज़र अपना शिपिंग एड्रेस डालेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑर्डर समरी हो गया, सब टोटल, शिपिंग और ये टोटल, और यहाँ पर कार्ड डिटेल्स डालेगा और पे नाउ पे क्लिक करेगा तो उसका ऑर्डर जो है वो सबमिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास एक माई अकाउंट का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र की जो भी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी और वो उसे अपडेट कर पाएगा। फिर यहाँ पर माय ऑर्डर्स, तो यूज़र यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को देख सकता है। किसी ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो उस ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसको दिख जाएगा, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन, सब टोटल, टैक्स, शिपिंग, ओके। इसके बाद है विश लिस्ट, तो यहाँ पर ये विश लिस्ट होना चाहिए, चलो इसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स वो विश लिस्ट में डालेगा वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। रिमूव करना चाहेगा तो रिमूव कर पाएगा, यहाँ पर क्लिक करेगा तो रिमूव कर देगा। चेंज पासवर्ड का पेज होगा, यहाँ पर चेंज पासवर्ड कर, जो भी पासवर्ड अगर वो चेंज करना चाहेगा तो वो चेंज कर लेगा। लॉगआउट पर क्लिक करेगा तो लॉगआउट पर चला जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट पेज हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये एक अबाउट अस पेज है, तो ये स्टैटिक पेज है, मतलब यहाँ पर टाइटल है और सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन, ओके। और इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट अस पेज है, तो कॉन्टैक्ट अस पेज में ये एड्रेस का इन्फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का फॉर्म, तो अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर पाएगा। अब हम लोग बैकएंड देख लेते हैं। सो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है, जो हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन करके डैशबोर्ड पेज पर पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड पेज पर हमें समरी दिख रही है कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं टोटल और कितनी सेल हुई है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर ये साइड बार है, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैटेगरी का लिस्टिंग पेज खुल जाएगा। कैटेगरी को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी का नाम डालेंगे, सेलेक्ट डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है सब कैटेगरीज। सब कैटेगरी में हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें उसका पहले पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट में कैटेगरी का सिर्फ दो लेवल तक ही रखेंगे, मेन कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी, ठीक है। तो हम लोग दो लेवल तक ही कैटेगरीज को रखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रांड्स, तो हमारी साइट पे जो भी ब्रांड्स होंगे वो हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। फिर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का जो भी लिस्टिंग है वो यहाँ लिस्टिंग हो गया। प्रोडक्ट को क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। प्रोडक्ट का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई। प्राइसिंग, ये हमारा सेल प्राइस हो गया, ये कंपेरेट प्राइस, कंपेरेट प्राइस का मतलब जो भी क्रॉस वाला प्राइस है वो यहाँ पर भरेंगे। फिर इन्वेंट्री, अगर एडमिन इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक जो है वो ट्रैक करना चाहता है तो वो यहाँ ट्रैक क्वांटिटी पे चेक करेगा और क्वांटिटी यहाँ पर डाल देगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होगा वो क्वांटिटी यहाँ पर लेस होती रहेगी। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंज कर पाएंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ से चेंज कर पाएंगे। प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे और फीचर्ड स्टेटस यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ओके। फिर है शिपिंग, शिपिंग आई थिंक मैंने अभी नहीं बनाया। ऑर्डर्स देख लेते हैं। ऑर्डर्स का ये लिस्टिंग हो गया, ठीक है, ऑर्डर नंबर हो गया ऑर्डर का, ये कस्टमर हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, स्टेटस हो गया टोटल, और कब उसने परचेज़ किया है। किसी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर के डिटेल पेज पर पहुँच जाएंगे, ओके। और यहाँ पर ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना चाहें, शिफ्ट है, डिलीवर्ड है, कैंसिल्ड है, और अगर हमें ऑर्डर का इन्वॉइस सेंड करना है तो किसको सेंड करना है वो सेलेक्ट करना होगा, और उसका सेंड पे क्लिक करेंगे तो एक इन्वॉइस का ईमेल पहुंच जाएगा। डिस्काउंट कूपन अभी मैंने ऐसे ही रखा, इसको हम लोग बाद में बना लेंगे। यूज़र्स का लिस्टिंग हो जाएगा, यूज़र को क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद पेजेस, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था स्टैटिक पेजेस के बारे में, तो हमारे अबाउट अस, आइटम्स एंड कंडीशन, ये सब जो स्टैटिक पेजेस होंगे जिसमें सिर्फ कंटेंट ही होगा वो हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि फ्रंट एंड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी और बैक एंड में हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क को डाउनलोड करेंगे, प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ओके। और आप लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे ये लारावेल 10 पे बनाएंगे, और उसका PHP का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कंपोजर, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।